अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रकाम है इन फोकस और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अली अब्बास। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का एक अहम इजलास जो है वो मुनक्किद किया गया था, और इस इजलास के पीछे मकासद ये थे कि मुल्क में गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के हवाले से मौसर इकदाम किए जाएं। और इस एपेक्स कमेटी के अंदर जो है वो एक और ऑपरेशन की वाज़ेह तौर पर मंजूरी दी गई है, जिसका नाम होगा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम। ऑपरेशन की पाकिस्तान में एक तवातुर के साथ तारीख रही है। पहले ऑपरेशन जो है वो राह रास्त था, फिर ऑपरेशन राह निजात हुआ, फिर ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब, और उसके बाद रद्दुल फसाद हुआ, और अब ये पांचवा ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च होने जा रहा है, जिससे दहशतगर्दों को जो है वो लगाम डाली जाएगी, ताकि गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए भरपूर इकदाम किए जाएँ। लेकिन इस मामले पर भी अब कहा जा रहा है कि सियासत की जा रही है, या इस मामले के ऊपर जो है वो सियासतदान भी मैदान में आ गए हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा असद कैसर साहब की जानिब से जो है वो वाज़ह तौर पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, जो कि इस वक्त अहमियत का हामिल है। उनकी जानिब से कहा गया है कि किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते, कोई एपेक्स कमेटी पार्लियामान से बालातर नहीं है। और आज ख्वाजा आसिफ साहब की अगर तकरीर की बात कर ली जाए कौमी असम्बली के अंदर, जो उन्होंने आज धुआंधार तकरीर की है, और अपोजिशन के शोर शराबे के अंदर उन्होंने ये तकरीर की है, इस दौरान जो है उन्होंने मुतअद्दिद बार कहा कि ये लोग 9 मई वाले हैं, ये लोग कल भी 9 मई वाले थे, आज भी हैं और मुस्तकबिल में भी होंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे कि आया जो ये कमेटी का फैसला आया है, तो पार्लियामान से इसकी मंजूरी ली जाएगी, ये मामला पार्लियामेंट के अंदर लाया जाएगा और उसके बाद इसके ऊपर बहस की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ वाज़ह तौर पर यही है कि कोई भी कमेटी पार्लियामान से बालातर नहीं है। ऐसी तमाम तर इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सिंधु साहब, डॉन न्यूज़ के साथ आप मौजूद हैं। साथ ही साथ शौकत यूसुफ़ज़ई साहब सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सैनिटर खलील ताहिर सिंधु साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। सैनिटर साहब, बताइएगा पार्लियामेंट में ये मामला लाया जाएगा या ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से जो तकरीर की गई है, आपकी पार्टी उसको जाती बयान कहेगी या आपकी पार्टी उनके पीछे खड़ी होगी इसके ऊपर? नहीं जी, जाती बयान क्यों कहना है, हम ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे खड़े हैं, और आज की उनकी जो स्पीच है मैंने भी सुनी है सारी, और सबसे बढ़कर उन्होंने जो बात की है, सबसे पहले तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के बारे में या हमारे मुस्लिम भाइयों के बारे में बात की है कि तहफ़ ये नहीं है और उनको नहीं दिया जा रहा, और लोग एक नई सिमत में चल पड़े हैं। आप देखिए यक्के बदीगरे यूसुफ जई साहब के इलाके में जो कल या परसों जो एक सियाज है जिसको कत्ल किया गया, तो ऐसे वाक़ात आपको समझे कि इंटरनेशनली आई एम द स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये वाक़ात जो हैं आपको तो आइसोलेट कर देंगे ये सारे। और अगर ये काम ना किया गया, ये जो ऑपरेशन की बात है, ये सर्जरी तो करनी पड़ेगी, अगर ना करेंगे तो फिर ठीक है भुगतें, फिर ऐसे ही होगा। और शौकत यूसुफ जी साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मेरे भाई हैं, इन्होंने 2013 में व्हेन ही वाज हेल्थ मिनिस्टर, आई वाज आल्सो हेल्थ मिनिस्टर इन पंजाब, वहाँ पे एक वकूआ हुआ था, इन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की थी मेरी, और खासतौर पे हमारी कम्युनिटी की भी, ऑल सेंट्स चर्च पे जो अटैक हुआ था, तो आई एम ग्रेटफुल टू हिम ऑलवेज। लेकिन इनके देखिए कि इनके जब बाहर निकलते हैं तो 10 किलोमीटर के बाद इनसे पूछे कितने पुलिस वाले इनके वहाँ पर शहीद हो रहे हैं हर रोज़, जो चीज़ें हालांकि वो मीडिया में बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, बट वही पीपल नो, इवन शब यूसुफ भाई जो मेरे भाई हैं यूसुफ जई साहब, इनको पता है। तो जब ऐसे काम होते हैं, जब हद से ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो फिर आपको सर्जरी की ज़रूरत है। अभी एंटीबायोटिक से नहीं मज़ा आएगा आराम किसी को, ये सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं हैरान हूँ, मुझे बड़ा अजीब सा लगा है कि जो बात हम बड़े दिनों से कह रहे थे और शुरू से कह रहे थे कि ये गालम गलोच ब्रिगेड हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे डिसेंट लोग हैं, जैसे बैठे हुए हैं हामद खान साहब हैं, शौकत यूसुफ जई साहब हैं, दूसरा मोहम्मद अली साहब हैं, MNA में सेनेट में हूँ, जो दे ऑलवेज स्पीक वेरी हाई एंड अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। और आज कल आपने वो उस हम कहते थे कि ये गालम गलोच ब्रिगेड, और कल भी आपने देखा उसका अमली मजारा कि इनका जो MNA है सनाउल्ला मस्तीखेल, पहले वो मुस्लिम लीग नून में भी रहे, उधर उस वक्त तो ऐसा नहीं था, अब गया तो कल उसने पूरी असम्बली में गालियां दे दी, गाली निकाल दी, आज फिर गालियां निकाल रहे थे। दिस इज़ नॉट द वे। तो ये है, मतलब हम ये सर उनको ऑपरेशन पे तो एतराज़ नहीं है ना, आपने कहा कि 10 किलोमीटर के फासले पर जो है वो कितने पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, उनको ऑपरेशन पर तो एतराज़ नहीं है, उनको तो एतराज़ इस बात का है कि आपने पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया है। और इस पे मैं आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट मीटिंग और दैट कमेटी, बट आई कैन गिव द बेटर आंसर, आई विल टॉक टू द मिनिस्टर लॉ और ख्वाजा आसिफ साहब, आज़म अज़ीज़ तारिक साहब से, ये उनसे बात करके फिर मैं आई विल बी इन द बेटर पोजीशन टू गिव यू द आंसर।
तो बाकी जो ऑपरेशन है ये तो होना ही होना जी, ये डेफिनेट होगा, क्योंकि आप किस हद तक पाकिस्तान को तनख्वाह का हो जाएगा ये आप देखें ना, कितनी आइसोलेशन है, लोग छोड़ के बाहर जा रहे हैं, कारोबार लोग बांग्लादेश में ले गए हैं, मलेशिया में ले गए हैं, क्या किसी के चले ठीक है। मैं इसका जवाब ले लूँ, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब तहरीक-ए-इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ़ज़ई साहब आपको भी प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। यूसुफ़ज़ई साहब क्या कहेंगे सर इस तमाम सूरत हाल के ऊपर, असद कैसर साहब का स्टेटमेंट, ये थोड़ा सा सख्त नहीं हो गया मामला, या आप लोगों के पास कोई दूसरी तजावीज़ भी हैं कि दहशत गर्दों को किस तरह से लगाम डाली जा सकती है? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और सिद्धू साहब का भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। देखिए जी, बात यह है कि 20 साल से ज्यादा अरसा हो गया खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है। पहले फाटा हमारे साथ नहीं था, अब फाटा भी हमारे साथ है, तो डेफिनेटली इलाका भी बड़ा है और इस ये इलाका काफी मुतासर भी हुआ है दहशतगर्दी से। तो यहां कोई ऐसा नहीं है कि वो ये कहे कि जी दहशतगर्दी खत्म ना हो। दहशतगर्दी खत्म करने के लिए सारे लोग रेडी हैं, लेकिन जाहिर है कुछ तहफुजात भी होंगी लोगों की, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सूखों के साथ वो गीले भी जल जाते हैं। तो मतलब ये कि कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं कुछ, तो वो लोग हम चाहते हैं या हमारी पार्टी चाहती है कि इस तरह ना हो। अगर कोई अपेक्स कमेटी में फैसला हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन क्या पार्लियामेंट के अंदर जो फाटा के लोग बैठे हुए हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग बैठे हुए हैं, ठीक है हमारा सीएम वहां मौजूद था, हो सकता है वो एतमाद में भी ले ले, अगर वो अगर एग्री कर गया है वहां पे तो जाहिर है वो अपनी पार्टी को एतमाद में लेंगे, लेकिन अभी तक एतमाद में नहीं लिया गया है। इसलिए ये शोर हो रहा है कि इतना बड़ा डिसीजन हो रहा है, और जाहिर है उसमें आपको पता है कि मलकन डिवीजन पूरा खाली हो चुका था ऑपरेशन के लिए, आपको पता होगा कितने लोग बेघर हो गए थे, कितने इस तरह सेम फाटा का भी यही सूरत हाल रही है। तो जब ये इतना बड़ा ये आएगा, इसका लोग वहां से बेदखल होंगे, बड़ा ऑपरेशन होगा, तो ये सारी चीजें इसलिए होनी चाहिए कि फिर उनको फिर एकोमोडेट करना पड़ता है उन लोगों को। लेकिन यूसुफ़ज़ई साहब पहले क्लियर कर दें सर थोड़ा नाजरीन के लिए कि आप लोगों को ऑपरेशन पर एतराज है या एपेक्स कमेटी का जो फैसला है उसको पार्लियामेंट में नहीं लाया गया, इस चीज पर एतराज है? देखिए ऑपरेशन तो देखें सिक्योरिटी इदारे जो होते हैं ना वो देखते हैं, सूरत हाल को देखकर फैसला होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, हम कोई मुल्क से बाहर लोग नहीं है ना कोई सियासत से बाहर लोग हैं, हम इस चीज को समझते हैं। अगर जरूरत पड़ती है ऑपरेशन की तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज को बिठा के एतमाद में लेते हैं, क्योंकि जमहूरियत है इस मुल्क के अंदर, लेकिन ये सिक्योरिटी इदारे फैसला करते हैं कि कहाँ ऑपरेशन होता है कहाँ नहीं करना है। तो इस पे तो एतराज नहीं है ना, होना चाहिए, अगर किसी को है असद कैसर साहब को या किसी और को तो हो सकता है, लेकिन मैं जाती तौर पे कहता हूँ कि इसमें जो सबसे अहम चीज है कि आप पार्लियामेंट को इतने बेतौकीर ना करें, कमेटी है जो भी है लेकिन जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं अल्टीमेटली जिम्मेदारी उनकी होती है, वो जवाब देते हैं। आपका कोई भी ऑपरेशन मुकामी लोगों के एतमाद में लिए बगैर कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए हम चाहते हैं कि अगर दहशतगर्दी के खिलाफ कोई भी इकदाम हो तो मौसर तौर पर होना, उसमें तो किसी का वो नहीं, अगर एक बंदा आके पार्लियामेंट के अंदर एतमाद में ले ले सबको और वो सबको इख्तियार दे और वो इजाजत दे और वो इजहार राय का, तो इसमें क्या कबाहत है? अगर फैसला कर भी लिया है तो उसी फैसले पे एतमाद में लिया है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो सूबे में एपेक्स कमेटी रही है, मैं उसका मेम्बर रहा हूँ काफी अरसे तक, उसमें जो फैसले होते थे हम फैसले करते थे उसमें, और फिर आके फिर उसको अपनी जो कैबिनेट होती थी उसमें हम बाकायदा एंडोर्स कराते थे कि भाई ये फैसला हुआ है, इसके ये फायदे हैं और ये नुकसान भी हैं, अभी आप बताएं, तो उसमें अच्छी तजावीज भी आ जाती। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखें जो लोग ऑपरेशन कर रहे हैं वो मुल्क के लिए कर रहे हैं ना, अपनी कुर्बानी देंगे ना, बिल्कुल, तो फिर मुतनाजा क्यों हो रहा है? इसलिए मैं ये मेरी अपनी जाती राय है कि इसको मुतनाजा बनाने के बजाय इसको मौसर बनाया जाए। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूं खलील ताहिर सिंधु साहब से। जी खलील साहब बताइएगा सर, ये कह रहे हैं कि तहफुजात हैं, तहफुजात दूर करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, एपेक्स कमेटी के अंदर जो है वो जाहिर सी बात है इन मामलों को भी डिस्कस किया गया होगा, लेकिन ये बताएं सर तहफुजात दूर क्यों नहीं किए जा रहे या मुतनाज़ा बनाने से क्यों नहीं रोका जा रहा? अली अब्बास, मैंने जो अब आप शौकत साहब से बात कर रहे थे तो मैंने किया था मैसेज कंसर्न बंदे को, तो उन्होंने कहा कि ये अली अब जो गंडापुर साहब हैं वो मान के भी आए हैं सारी बातें और उन्होंने वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं इस बात पे किया। अभी मुझे नहीं पता, कंसर्न बनने के अलावा ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी स्पीच में भी कह दिया है कि सारी बातें उन्होंने वहाँ मानी है, मानी है और मुझे मैसेज भी आ गया, मैं ख्वाजा साहब से बात की है। अच्छा। तो उन्होंने बताया, मैसेज आया, उन्होंने कर लिया और एग्री किया और ही इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस ऑफ केपी की,
तो नाउ ही हैज़ टू टेल टू द पीपल और इसके उसके अपने असद कैसर साहब को सफाई उसको देनी पड़ेगी या वट एवर। लेकिन एक बात है कि अगर कोई असद कैसर साहब की रिजर्वेशंस हैं तो वो चाहिए था कि अली अमीन गंडापुर साहब इनसे पहले बात करके फिर वहाँ पे जाते और वहाँ पे जो ऐसे चीफ मिनिस्टर वो बैठे हैं पूरे सूबे के तो वहाँ उनका जवाब देते। इसी वजह से मतलब मैं खैर इनके अपने मसले हैं जमात के, इसी वजह से बहुत सारे तहफ़ुज़ात हुकूमत को नहीं है, तहफ़ुज़ात सूबाई हुकूमत को तो नहीं है, तहफ़ुज़ात पार्टी को है। अगर वज़ीर आला साहब जो है वो बतौर वज़ीर आला वहाँ शरीक हुए तो वो पार्टी के नुमाइंदे तो नहीं है ना। अब पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर अगर किसी ने तहफ़ुज़ात का इज़हार किया तो वो दूर करना आपका काम है। नहीं अली अली अब्बास भाई नहीं, ही इज़ द वो केपी का चीफ मिनिस्टर अली गंडापुर साहब और वो पीटीआई का है बेसिकली और इसी वजह से वो बना ना वहाँ पे कि वो पीटीआई से ताल्लुक रखता है, सही है। इसलिए इन दोनों चीजों को हम सेपरेट नहीं कर सकते किसी सूरत में भी। अच्छा हाँ अगर असद अब तो ये ड्यूटी भी उनकी बनती है क्योंकि जो मैंने मैसेज अभी रिसीव किया उसमें ये ही टोटली वही मेंटली एग्री बल्कि उससे बल्कि उसको सपोर्ट की है तो आप तो उससे बेहतर तो वो था कि वो बात बताया जिस तरह शौकत यूसुफ़ज़ई साहब कह रहे हैं कि उसको तो बात भी लेना चाहिए। बाकी तो कोई ऐसी हाँ अगर कोई रिजर्वेशंस है मैं समझता हूँ तो असद कैसर साहब एक जिम्मेदार इंसान है, स्पीकर रहे हैं, इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन और ऐसे बंदे हैं जिनसे आप अपना कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं, मुज़ाकरात भी कर सकते हैं। ये पहले भी मुज़ाकरती कमेटी में रहे जब पिछले पीडीएम से पहले जो थे जब ये आ रहे थे कि इलेक्शन पहले। अभी अपोजिशन को एतराज़ है, अगर कल को इत्तेहादियों को एतराज़ हो गया तो फिर आप लोग कहाँ स्टैंड करेंगे? आपको नहीं लगता सैनेट में या ऐवाने ज़री में ये मामला जो है वो डिस्कस होना चाहिए? देखिए आएगा जी ऐवाने बाला में भी ऐवाने ज़री में भी मेरे ख्याल, लेकिन एतराज़ वो इफ एंड बट्स की तो बाद में बात करेंगे। पहले ये तो पता चले क्या अली अमीन गंडापुर साहब ने किस पर किस वजह से अगर ये सारे एतराज़ात इनको हैं तो उन्होंने क्यों वहां पे कोई इतराज क्यों नहीं किया? बात तो फोरम तो वही था ना जहां पे बात करनी चाहिए थी पहले, तो उन्होंने नहीं कोई बात की वहां पे, तो इसलिए पूछना तो उनसे चाहिए हमें, आपको उनको भी लेना चाहिए लाइन पे या किसी भी तरीके से। और मेरा अपना मेरा परसेप्शन कहता है कि शौकत यूसुफ़ज़ई साहब ये अपनी पार्टी का इजलास बुलाएं पानी पानी पार्टी का और जो सीएम है इनको ब्रीफिंग दे कि ये मैंने बात की है, उसके बाद फिर जो अगर कोई इसके बाद भी अगर कोई बात रह जाती है तो डेफिनेट उसका बैठ के भी हल निकाला जा सकता है। ऑपरेशन भी बात के लिए तो नहीं होगा ना सिंधु साहब, ऑपरेशन होगा पूरे मुल्क के लिए होगा, तो इस पर जो है वो चले ठीक है उनसे जवाब बनता है, लेकिन फिर भी आप बताएं सर कि तहफ़ुज़ात दूर करने के लिए क्या आपको नहीं लगता कि पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए कि ऑपोजिशन के भी अगर जो है वो तहफ़ुज़ात हैं तो दूर हो जाए? अली बात सब तहफ़ुज़ात बताएं तो सही ना, पहले अच्छा। किसी बात का कोई हाल बताएंगे तो दवाई फ्री दी जाएगी ना, डॉक्टर को अपना मर्ज बताएंगे जी तो फिर भी वो आपके टेस्ट करवाएगा दवाई देगा, ऐसे तो नहीं देगा। ये पहले बताएं तो सही कि क्या रिजर्वेशन है इनको, बस सिंपल स्पीच करने से तो कुछ नहीं होता ना। यहाँ एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब से, यूसुफ़ज़ई साहब आपने मर्ज बताया नहीं है और आप दवाई लेने पहुंच गए। जी जी बिल्कुल, ये सिद्धू साहब ने एक बात बिल्कुल सही की। देखिए अली अमीन गंडापुर साहब से मेरा भी रब्ता नहीं हुआ है, मैं खुद गांव में था, मैं आया हूँ और मैंने असद कैसर साहब की स्पीच सुनी है। ये देखिए अपेक्स कमेटी में चारों सूबों के सीएम होते हैं, सही है, और सीएम हमारे सूबे के मुंतखब नुमाइंदे भी हैं, जाहिर है सूबे की नुमाइंदगी वही कर रहे हैं। अगर वो एग्री कर चुके हैं, मैंने पहले भी आरज़ किया था, अगर वो एग्री कर चुके हैं तो वो पार्टी को एतमाद में ले लेंगे। लेकिन जो तहफुजात की बात है ना, वो तहफुजा ऐसे नहीं है कि हम कह रहे हैं कि जी हम बिल्कुल ऐसी कोई बात जो है वो बिल्कुल सिरे से मानते नहीं है। तहफुजात बड़े जेन्युइन है। अगर हो सकता है इंसान है अली अमीन गंडापुर साहब के जहन में उस वक्त नहीं आया ये बात, अच्छा नहीं आई हो ऐसी कोई बात। आपको पता है कि तहफुजात क्या है पीटीआई के? जी जी देखिए क्लियर करें ना सर, बिल्कुल क्लियर करें, सिंधु साहब भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं, आवाम भी सुन रही है। देखिए आपने सुनी नहीं, मैंने शुरू में कहा जी कि आज जब ऑपरेशन हो रहा था मलकेंड डिवीजन में, ठीक है, तो पूरा स्वात खाली किया गया था, सही है, उसमें बड़े गरीब लोग भी थे, अमीर लोग भी थे। वो जब यहाँ आए फिर ना उनके रहने की जगह थी, ना उनके पास पैसे थे, बहुत सारे लोग ख्वार हुए। इसी तरह फाटा के जो लोग थे उस वक्त जो ऑपरेशन होते रहे, वो बेचारे जब नीचे आए, बनू में आए, डीए खान में आए, इधर पिशावर आए, उनके बहुत बुरे हालात रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी और वो तब होगा जब जाहिर है जब पॉलिटिकल पार्टीज एतमाद में होंगी तो वो अपने लोगों को जाहिर हर हर जिले में हर जगह पे हर पार्टी के लोग हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि जी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन ना हो, सही है। हम देखें इस मुल्क में सबसे अहम बात जो अमन है, अगर आपके सी पैक पे हमले हो रहे हैं, अगर आपके इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले हो रहे हैं तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। चाइना हमारे लिए डैम बना रहा है, चीनियों के ऊपर बाशिंदों के ऊपर जो है वो हमले हुए हैं, तो ये हमारे लिए कोई काबिल अमल बात तो नहीं है। हम तो बिल्कुल इसकी मजम्मत करेंगे और जाहिर है कि अगर आपने सख्त एक्शन भी लेना पड़ेगा इन सारी चीजों के लिए, ऑपरेशन तो होगा।
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो पार्टी का वो है खदशात है, वो खदशात जेन्युइन है, वो जेन्युइन ऐसे हैं कि जी आपने फैसला कर लिया, आपने आपने कल से ऑपरेशन शुरू करना है जी। तो लोगों को क्या तहफ़ मिलेगा, जो लोकल लोग हैं उनको कैसे तहफ़ मिलेगा, उनके साथ क्या होगा, क्योंकि ऑपरेशन ये पहला तो नहीं है, चार ऑपरेशन पहले हो चुके हैं, कोई तजुर्बा तो मिल चुका होगा ना, सिक्योरिटी इदारों को भी तजुर्बा मिला होगा, कुछ हमें भी तजुर्बा हासिल हो चुका है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी, कि लोगों को कैसे एकोमोडेट किया जाए। जाहिर है अगर कहीं से उनका इनखिला होता है तो उनको कहाँ रखा जाए, कैसे रखा जाए, गर्मी है शदीद, तो ये सारी चीज़ें देखें, हम ये एक तासुर जाता है कि हम हर चीज़ में जो है वो ना करते हैं, हर चीज़ में ना की मसला नहीं है। तो शौकत साहब, आपकी पार्टी क्या सोचती है इसके ऊपर कि अगर वहां से लोगों को जो है वो निकाला जाएगा तो उनको कहां पे अकोमोडेट किया जा सकता है, बतौर पार्टी रहनुमा आप ये मुझे बता दें। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि हमें पता तो चले ना कि ऑपरेशन कहाँ से शुरू हो रहा है और कितने दिन तक जारी रहेगा और कैसे इसमें, देखें ये सारी चीजें ऐसी होती है ना कि ये पार्लियामेंट के अंदर बेशक नाला है, मैं ये नहीं, मैं इसके हक में भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जैसे मैंने आपको कहा ना, मैं अपेक्स कमेटी में रहा हूँ, मुझे उसके उसका पता, हसासियत का पता है, बड़े हसास इश्यूज भी डिस्कस होते हैं। लेकिन अगर आप कम से कम पार्टी के लीडर्स को, सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीटीआई को आप कर लें, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज, अभी दिन को हमारा एक और प्रोग्राम हो रहा था उसमें पीपल्स पार्टी के लोग थे, उन्होंने कहा हमें पता तो नहीं है कैसा हो रहा है लेकिन जाहिर हम इत्यादि हैं। अब ये तो कोई जवाब नहीं है ना, कल अगर कोई वाकया होता है, शौकत साहब ये जो सूरत हाल आप बता रहे हैं आपकी गुफ्तगू से लग रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कल हुआ है एपेक्स कमेटी का इजलास और अभी तक जो है वो वजीर आला ने अपनी कयादत को एतमाद में नहीं लिया, कोई कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन गैप दिखाई दे रहा है यहाँ पे? नहीं हुई होगी, मैंने अर्ज किया ना कि मैं गाँव में था, मैं चूंकि हमारा वो 21 जून को हमारा पूरे मुल्क के अंदर वो एहतजाज था तो मैं उसकी कयादत करने गया था अपने हल्के में, तो मैं सुबह वापस आया हूँ, तो मुझे एक, मैंने सिर्फ असद कैसर साहब की स्पीच पर सुनी है, वरना मैं अली अमीन गंडापुर साहब से खुद पर रब्ता कर लेता, कोई ऐसी बात तो नहीं है, वो तो लीडर है हमारा इस सूबे को, वो लीड कर रहा है, अगर उन्होंने एग्री कर लिया है तो हम उससे मुखालफत नहीं करेंगे, हम उसके साथ खड़े होंगे, हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन मतलब अगर आपने मौसर बनाना है किसी ऑपरेशन को और वो जो है आप समझते हैं कि मुल्क के लिए, तो आप, मेरा नहीं ख्याल है कि हम हमारे किसी बंदे को उसकी मुखालफत करनी चाहिए या करनी पड़े हमें, लेकिन सिर्फ ये मैं इसका जवाब ले लूं, सिंधु साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो सिंधु साहब आप बता दें सर कि जाहिर सी बात है आपने मौसर बनाना है, ये सपोर्ट करेंगे, लेकिन मौसर बनाने के लिए इकदामात क्या उठाए गए हैं वो पब्लिक करना जरूरी है। जी यूसुफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, आई विल सपोर्ट दैट, बिल्कुल जाहिर है जो अभी आप ऑपरेशन शुरू करते हैं तो यू हैव टू डू, मतलब कि अगर लोग उनको डिसमेंटल किया जाता है या किसी भी, तो उनके लिए क्या इंतजाम है, सब कुछ, सारे तो टेररिस्ट नहीं होते, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन डेफिनेट मुल्क की सलामती की बुनियाद पर मतलब ये जो दूसरी बातें हैं वो डेफिनेट किया जाएगा, जब जिसने ऑपरेशन करना है उनके भी जहन में ये होता है, और पहले जी भी जिस तरह खुद फरमा रहे थे शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, मतलब देर आर सो मैनी सेंसिटिव थिंग्स जो जिनका पता होता है लेकिन ओपनली मतलब टेलीवाइज नहीं कर सकते या अखबार में नहीं दे सकते, तो ये बाकी मैं फिर दोबारा उधर ही आ रहा हूँ कि इससे बेहतर यही है, सबसे पहले बेहतर यही होगा, मैं बिल्कुल वही मेंटली सपोर्ट करता हूँ शौकत यूसुफ़ज़ई साहब की बात को कि अली अमीन गंडापुर साहब को फौरी तौर पर एतमाद में लेना चाहिए, अब तक ले लेना चाहिए था, और अगर किसी को नहीं पता तो उसको बताए और अपनी क़यादत को, अपने लोगों को वो खुद करे, खान साहब से भी मिले जाके और सबसे पूछ के कि ये मैंने एग्री किया जी, और अगर उसने एग्री किया तो मैं समझता हूँ डेफिनेट जो मेरी पॉलिटिकल परसेप्शन का था कि उसने डेफिनेटली खान साहब से भी बात की होगी हर तरह किसी ना किसी तरीके से, ऐसे नहीं कि वो ऐसे एग्री कर ले, चूँकि ज़ाहिर है ये अपने लीडर को जो इनका कहता है, और होता भी ऐसे पार्टीज में कि जो लीडर कहता है वही होता है, उसके मुताबिक करना भी चाहिए, लीडर इज़ अ लीडर, तो उसके बारे में इन्होंने बात बिल्कुल की होगी, तो इसके बारे में जो आप फरमा रहे हैं और शौकत यूसुफ जी सब डेफिनेट, मतलब अगर कोई रिजर्वेशंस हैं तो वो बताई तो जरूर जाए ना, लेकिन मेरा ख्याल है जो मैं समझता हूं में ही बताई है उन्होंने, नहीं ये बात नहीं, ये तो मैं फिर एक और मैसेज कर लें ख्वाजा आसिफ साहब को, नहीं नहीं सर नहीं, दो मजाक चीज़ें आ जाती हैं, दो मजाक चीज़ें आ रही हैं ना, इससे बेहतर है कि अली अमीन गंडापुर साहब को आप लाइन पे ले लें ताकि वो जिन्होंने हाँ की है वो तो बताएं कि उन्होंने ये सारी बातें वहाँ पे की हैं, क्या किया क्या नहीं किया, ये तो ज़्यादा कंसर्न पर्सन तो वो ना, अगर पीटीआई की तरफ से इतराज़ आया, ऑनरेबल असद कैसर साहब की तरफ से इतराज़ आया या वट एवर, तो ये रिजर्वेशन बताएं या अली अमीन गंडापुर साहब से पूछें, ही इज़ द राइट पर्सन टू गिव द आंसर एट दिस राइट टाइम,
कि मतलब मैंने क्या उस वहाँ पे बात की या क्या नहीं की, तो ये तो नहीं होता कि चारों मतलब सारे लोग बैठे, सारे कंसर्न लोग, चारों सूबों के वज़रा आला और सब ने यूनैनिमसली इसको किया है, तो अगर कोई एतराज़ हुआ या किया तो वो तो फिर दोबारा फिर उधर ही बात आ रही है अली अब्बास साहब कि द ड्यूटी द ओनस जो है, ओनस टू प्रूव जो है वो अभी अली उन पे, अली मीन गंडापुर साहब पे है कि वो लें एतमाद। जो तहफ़ुज़ात होंगे वो आपकी हुकूमत दूर करेगी, ये आप बावर करा रहे हैं? डेफिनेट डेफिनेट डेफिनेट, वाई नॉट, ये तो मतलब ये कैसे हो सकता है, ये आप सबका मुल्क है ना, किसी एक एक फर्द का फर्द वाद का तो नहीं है, और जो होते ऐसे काम होते हैं वहाँ पे सबको एतमाद में लेना पड़ता है। मतलब मैं तो नहीं मेंबर रहा, शौकत भाई मेंबर रहे हैं, इनको पता है, और सबको ट्रस्ट में लेके लूप में लेके फिर ही आगे आप चल सकते हैं। इसी वजह से चारों बुजुर्ग को साथ बुलाया गया था ना कि आप सारे आए और अपने अपने कंसर्न्स बताएं कि आपके क्या कंसर्न्स। ठीक है जी, शौकत साहब लास्ट कमेंट कर दीजिएगा सर, टाइम बहुत थोड़ा रह गया। मैं ये अर्ज करता हूँ, देखें थोड़ा सा जो एतमाद साजी का जो डेफिशिट आ रहा है ना वो ख़त्म होना चाहिए, और क्योंकि सूबे के भी बड़े इश्यूज हैं, बहुत सारे यानी सूबे का जो बकायजात है वो भी अभी तक नहीं मिल रहे, तो अगर खुदा न खास्ता ऑपरेशन शुरू हो गया, ये लोग आ गए, फिर उनको एकोमोडेशन का इशू आ गया, तो ये बहुत बड़े इशूज सूबे के अंदर भी बनेंगे खुद ही अपने, तो इसलिए हमें थोड़ा सा बाकी अली अमीन गंडापुर साहब को मुकम्मल इख्तियार है, उनको खान साहब ने बाख्तियार बनाया हुआ है, उनको बार बार जाके किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो अगर उन्होंने फैसला कर लिया है तो डेफिनेटली हम उनसे इंशाल्लाह शाम तक कंसल्ट कर लेंगे। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ़ज़ई साहब तहरीक इंसाफ से, और मुस्लिम लीग नूर खलील ताहिर सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद थे। यही बात की जा रही है कि जो तहफ़ुज़ात हैं वो दूर कर दिए जाएं, उसके बाद हुकूमत अगर ये ऑपरेशन शुरू करती है तो उसके साथ ऑपोजिशन जमातें और इत्तेहादी जमातें दोनों खड़ी हुई दिखाई देंगी। इसके बाद एक ब्रेक की तरफ हम जाएंगे, ब्रेक के बाद मईशत के ऊपर कुछ बात होगी, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से जो स्टेटमेंट दिया गया है या उसके बाद जो है जो तजवीज़ सामने आ रही हैं या मुसलसल इस वक्त इस बजट को जो हदफ़ तनकीद बनाया गया है इसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो फेस करने पड़ेंगे हुकूमत को, या फिर ये सारे मामला जो हैं वो आवाम पर ही बोझ बन के गिरेंगे, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मईशत के हवाले से अब कुछ गुफ्तगू होगी, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी जो कि एक अहम इत्तेहादी जमाती है उसके रहनुमा जो हैं वो फारूक एच नाइक साहब, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट दिया गया कि आईएमएफ को पता नहीं है, वरना आने वाले वक्तों में कब्रों के ऊपर भी टैक्स आयद कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब इस टैक्स के ऊपर मुसलसल तनकीद हो रही है, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मुमताज़ माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, जाहिर सी बात है बजट पेश हो गया, महंगाई में कमी के लिए इकदाम नहीं है, बेरोजगारी में कमी के लिए इकदाम नहीं है, आपको भी लगता है कि अशराफिया के नाजायज जो मामला हैं, नाजायज मफादात हैं, उनका तहफ्फुज किया गया है इस बजट में? बिलाशुबा, दरअसल न सिर्फ ये कि वफाकी बजट, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि सूबाई असम्बली में जो तीनों बड़ी पार्टीज हैं जो ये बातें कर रहे हैं उनके बजट में भी मुल्की और बैरूनी अशराफिया के नाजायज़ मफादात का तहफ्फुज किया गया है। नंबर एक, इन तमाम बजटों में जो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की सलामती को जो संगीन तरीन खतरात, संगीन तरीन चैलेंजेस दरपेश हैं उनको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है, और जो तीनों पार्टियों की हुकूमतें हैं उनके बजटों में उनका जो मंशूर इंतखाबी मंशूर था उसके अहम नुकात से 100% इनराफ करके उसको पसे पुश्त डाला गया है। इसमें मैं ये समझता हूँ कि शुबे की कोई कतई गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि देखिए न्यू ग्रेट गेम चल रहा है अमेरिका का, हमें भी पता है दुनिया में नई सबबंदियाँ हो रही हैं। 1965 से अब तक हम 23 मरतबा IMF के प्रोग्राम में जा चुके हैं, नतीजा सामने है, अब हम 24वें प्रोग्राम में जा रहे हैं। तो हमारा तो कहना ये था कि इस वक्त सबसे अहम तरजीह ये होनी चाहिए थी वफाकी और सूबाई बजटों की कि ये जो 24वें प्रोग्राम में हम जा रहे हैं, 3 साल या 4 साल का है, ये आखिरी प्रोग्राम हो, और किस हर हालत में और हर कीमत पर 25वें प्रोग्राम में पाकिस्तान को ना जाना पड़े। ये इतनी ज़बरदस्त तरजीह थी कि अगर इस तरफ पेशरफ्त होती है और आवाम को रिलीफ ना मिलता तो जैसे वो 50 वर्षों से भुगत रहे और 3 साल भुगत लेते। लेकिन मैं ये जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि इन तमाम बजटों में इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश नज़र आती है कि खुदा ना खास्ता चंद बरसों के बाद हमें 25वें प्रोग्राम में जाना पड़ सकता है,
जो कि मेरे हिसाब से इज्तिमाई खुदकशी होगी। मैं ये गठजोड़ का लफ्ज़ जो इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सूबे और वफाक, वो इसलिए कि आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चंद रोज़ पहले कि 2024 में जो FBR को टैक्स इकट्ठे करने चाहिए थे 24,000 अरब के, उन्होंने 15,000 अरब के कम वसूल किए हैं FBR ने। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं। लेकिन जो वफाकी बजट हमारे सामने आया है उसमें अगले माली साल में भी वही 15,000 अरब की शॉर्टफॉल है। ये 15,000 अरब की फिगर उनकी है, हमारी फिगर इससे ज़्यादा है। लेकिन सूबों ने ना ज़रात पर टैक्स लगाया इफेक्टिवली, ना प्रॉपर्टी पर लगाया, और अगर हम काले धन को निकाल दें तो सूबों ने भी 3,000 अरब रुपया जो उनको वसूल करना चाहिए था उससे कम किया है। तो वो किस मुँह से वफाक के ऊपर एतराज़ करेंगे? वो उस बजट को पास करेंगे जो भी कबर पर टैक्स लगाएं या जो है कुछ भी करें। मेरा कहना ये है कि आप उनका तो गठजोड़ है, वो जब वफाक पर एतराज़ करेंगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि जनाब अगर ये बात है तो फिर आप मुझे ये बताइए कि आपने एग्रीकल्चर पर टैक्स लगा दिया, आपने जो है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया प्रॉपर्टी के ऊपर, आपने क्या प्रॉपर्टी मार्केट को मार्केट के नरखों पर ले आए क्या आप? तो ये सारा एक गठजोड़ है। जब तक पाकिस्तानी कौम को ये बात समझ में नहीं आएगी, ये तमाशा जो बड़े दहाइयों से चल रहा है ये चलता रहेगा। ये बिल्कुल मैं जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात बता रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब कथा कलामी माफ, लेकिन शहबाज हुकूमत तो ये वादा कर रही है कि ये जो बजट, ये जो IMF का प्रोग्राम होगा ये आखिरी होगा, लेकिन हुकूमती इकदाम से आपको लगता है कि ये मुमकिन है? मैंने जो आपकी खिदमत में, आपके नाज़रीन की खिदमत में अर्ज किया, ये नामुमकिन है। मैं उसकी वजह आपको बता दूँ। हमारे जो वजीर ख़जाना है उन्होंने अव्वल तो ये उनको मुस्लिम लीग नून का मंशूर से तो कभी उन्होंने खुद अमल नहीं किया, तो उनको तो पता भी नहीं है कि मंशूर क्या है। लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि अब से जो है वो 3 साल के बाद हमारा टैक्स GDP का तनासुब 13% होगा। अब उनको कौन समझाए कि जनाब जब माजी में 14.4% था उस वक्त भी पाकिस्तान की मीशत बहरान का शिकार थी, नंबर एक। और अगर वो वजी अजम ये कहते हैं कि 15,000 अरब की शॉर्टफॉल है और ये 13% की हमें खुशखबरी सुना रहे हैं, तो उनको ये बात समझनी होगी कि 13% होने का मतलब वाजह तौर पर यह है कि कई हज़ार अरब रुपये का शॉर्टफॉल उस वक्त भी होगा। तो और आपके जो आज की तारीख में मैं आपको एक फिगर दे रहा हूँ, पाकिस्तानी कौम जो है ना उनको सियासत से हटके भी ज़रा सोच लें कि 2025 का जो ये माली साल है इसमें जो नेट FBR के रेवन्यूज़ हैं उसके मुकाबले में मुल्क की कर्ज़ों पर जो सूद है वो 4,243 अरब रुपया ज़्यादा है। तो ये अगर आपकी सूरत हाल है और आप 3 साल के बाद हमें 13% की खुशखबरी सुना रहे हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि हकूमत ने ये फैसला किया हुआ है बैरूनी अशराफिया को खुश करने के लिए या मुल्की अशराफिया को खुश करने के लिए कि जनाब हम आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं, हम यही खेल चलता रहेगा। तो लाजमन इनके आदाद शुमार की रोशनी में मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये 13% की जो फिगर उन्होंने दी है और जो कुछ हो रहा है, खुदा ना खास्ता ये इज्तिमाई खुदकशी हम करने जा रहे हैं। अगर मीडिया ने आवाम को बेदार नहीं किया, अगर हमारी जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, या इवन सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने इंतखाबात के में मुदाखलत की, रात को 12 बजे अदालत खोली, तो वो कम अज़ कम ये भी तो कहें कि जनाब ये जो बजट आप पेश कर रहे हैं और सूबाई बजट भी, तो क्या आईन में ये नहीं लिखा कि 25 अलिफ के तहत हर बच्चे को स्कूल जाना है? यहाँ एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सर, पार्लियामेंट के अंदर भी अरकीन पार्लियामेंट कुछ तजवीज़ देते रहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब के गुज़िश्ता रोज़ का जो है स्टेटमेंट है, उनकी पार्लियामेंट में तकरीर मौजूद है, वो शायद आपने सुनी होगी कि उन्होंने कहा कि 1,000 अरब हम और अशराफिया मिलकर जमा करें और फिर 78,000 अरब रुपये जो है वो आवाम से मांगे तो आवाम देगी। उनकी ये तजवीज़ कैसी लगी आपको? देखिए, ये सियासत की बातें तो खुदा ना मेहरबानी करें मेरे ऊपर छोड़ दें। आप हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ एक बात कहते हैं। देखिए, ये सब खेल है पाकिस्तान का। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि आप 6 लाख रुपए से कम टैक्स नहीं है, मैं कहता हूँ महंगाई आप 10 लाख कर दें, मगर कानून ये होना चाहिए कि हर वो आदमी जो पाकिस्तान में रहता है उसकी आमदनी 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, 6 लाख नहीं 10 लाख, उसको अगर पाकिस्तान में रहना है तो वो टैक्स देगा, नहीं तो हम वसूल करेंगे। आप पहले वो कानून तो बना दें।
क्या बात कर रहे हैं, हम ये सियासत को आप छोड़ दें, बहुत हो गया पाकिस्तान के साथ खिलवाड़। मैं फिर कह रहा हूँ, आपने हर 10 लाख रुपए सालाना से ज्यादा वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं, और जिस दिन ये लगाने की कोशिश करेंगे यही मेम्बरान पार्लियामेंट उनको उठा के फेंक देंगे। कह रहे हैं क्या बात कर रहे हैं आप, नहीं हो सकता ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, बिल्कुल आप देखिए। लेकिन शाहिद साहब, ये जो तासुर क्यों दिया जा रहा है कि जैसे बजट जो है वो तजावीज के साथ या मशावरत के साथ जो है वो नहीं बनाया गया, एक खाकी लिफाफा जो है वो सर पे मुहर आया है और उसके बाद उसको खोल के बजट तकरीर पढ़ दी गई, किसी को नहीं पता कि उसमें था क्या? मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ, उनको नहीं पता, मुझे आप ये बताइए कौन सा सूबा ऐसा है जिसने प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाया है, नंबर एक बता दीजिए, एक सूबा कौन सा ऐसा सूबा है जिन्होंने आईन के 25 अलिफ जिसमें ये लिखा कि 16 साल तक का हर बच्चा स्कूल जाएगा लाजमी और मुफ्त, 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, खुदा के लिए दुनिया की सबसे बड़ी तादाद, रब्बे ज़िदनी इल्मा हमें सिखाया गया, यही सूबाई बजट जो है उसमें उन्होंने सब मिला के 1.7% मुख्तस किया है तालीम पर, दुनिया के कुछ ममालिक जो है वो 6% तक कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूँ रिकॉर्ड पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने और उस वक्त जो हुकूमतें थी हुकूमत में शामिल, उन्होंने ये मुआहदा किया था जो कि इकोनॉमिक सर्वे में मौजूद है कि हम जो है वो 7% तालीम पे करेंगे, और तहरीक इंसाफ ने कहा था हम 5% करेंगे। अरे भाई वो तो आपने इतने साल गुजर गए, 8 साल गुजर गए, 1.7% से आगे नहीं बढ़े, कौन सी पार्टी हुकूमत में नहीं रही, MQM नहीं रही, जमात इस्लामी नहीं रही, अवामी नेशनल पार्टी नहीं रही, तहरीक इंसाफ 2013 से नहीं है क्या? ये बातें छोड़िए, अब आप जिम्मेदारी कबूल करें। डॉक्टर साहब, आपकी गुफ्तगू से ऐसा लगता है जैसे कभी अच्छी नीयत का फुकदान ही रहा है हमेशा से। बिलाशुबा 100%, इसलिए कि मैं नीयत की बात तो अल्लाह को बताया, जो उनके अमाल हैं, जो उनके अमाल है, कभी बताइए जो हुकूमत में रही हैं, कभी MQM के जमाने में तालीम का और सेहत का बजट 1.7% से ज्यादा बढ़ा क्या? कभी 25 अलिफ का किया गया क्या? हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाया गया क्या? 20 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ में रजिस्टर नहीं हो रही क्या? जरी शोबे से टैक्स लगाया गया क्या? नैब ने, मैं आज आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, मैंने 2 दर्जन दफ़े ये कहा है, सितंबर 2001 से, जिम्मेदारी मेरी है, सितंबर 2000 से 2021 के 20 वर्षों में कितनी हुकूमतें बरसर इख्तियार रहीं, कौन नहीं रहा, उन सब के दौर में नैब ने झूठे गलत आदाद शुमार पेश किए। वो कहते हैं 900 अरब रुपए, 790 अरब की जब उन्होंने बात की थी तो मेरे रिकॉर्ड पर मेरी रिसर्च है, मेरी जाती, मैंने स्टाफ को नहीं दिया, वो तो 100 अरब भी नहीं था इस 20 वर्षों में, तो 8 चेयरमैन थे, कौन बोला उसमें? पार्लियामेंट बोली, सियासतदान बोले, अशराफिया बोली, नहीं। तो जब आप जो आप करप्शन को रोकना नहीं चाहते, जो एंटी करप्शन का है, जो कुछ टैक्स इकट्ठे हो रहे हैं उसमें करप्शन हो रहा है, उसमें शाना अखराजात हो रही है, जब आपको मैं एक फिगर दे रहा हूं अगले साल के बजट में कि जो नेट FBR रेवेन्यूज हैं, सूद की रकम उससे 4,200 अरब रुपए ज्यादा है, तो फिर रह क्या गया, दफा क्या कर रह गया सूबे? तो डॉक्टर साहब ये भी बता दें सर, फिर शब्बर जैदी साहब के भी ये स्टेटमेंट सामने है, वो कहते हैं कि मैंने जब टैक्स लगाने की बात की, जब मैं चेयरमैन FBR था, हमेशा टैक्स लगाने की बात की तो कोई ना कोई हिमायती उठ के आ जाता था जिसकी वजह से उस शोबे पे टैक्स नहीं लगाया जाता था और सारा जो बोझ है वो तनख्वाहदार तबके पर आता था। देखिए आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये बातें छोड़ दीजिए ना सियासत की, मैं तो रिकॉर्ड पे एक एक लफ्ज़ की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 2018 में एक मिस्टर क्लीन प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने एक टैक्स एमनेस्टी बनाई और जिसने ड्राफ्ट की थी वो यही हिसाब थे, उन्होंने उस टैक्स एमनेस्टी में ये लिखा है कि पाकिस्तान से लूट के जो दौलत बाहर गई है वो वहीं रहने दें, हमें थोड़ा सा टैक्स दे दें। इमरान खान 2019 में, उनका तो बुनियादी नारा ही यही था कि हम लूटी हुई दौलत को बाहर से पाकिस्तान ला के अवाम पर खर्च करेंगे, सुबह शाम लूटी हुई दौलत, उन्होंने टैक्स एमनेस्टी दी और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से लूट के जो दौलत बाहर गई है जी, उसको वहीं रहने दें, यहाँ मत लाएं, चोरी का माल बरामद हो गया। तो जब आप ये एमनेस्टी बनाएं और एक मुझे दिखा दें सुप्रीम कोर्ट का साकिब निसार, 1843 के तहत मैंने 1 दर्जन दफ़ा कहा है, लिखा है, उनको अख्तियार ही नहीं था 1843 के तहत, उन्होंने कहा जी मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि इस टैक्स एमनेस्टी पर, अरे आप होते कौन है भाई, आप 1843 के तहत कर ही नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट। तो कोई पाकिस्तान में बोला, मैं अकेला शोर कर रहा था, कोई बोला कि ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम गलत है,
अब ये बातें छोड़िए किसने ड्राफ्ट की, किसने बनाया। चलें ठीक है सर, छोड़ देते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो इनायत किया, सिर्फ आपने गुफ्तगू की है। मामला यही है कि सियासत अलग है और ग्राउंड रियलिटी के ऊपर जो इकदाम उठाए जा रहे हैं वो किसी तौर पर भी जो है वो आवाम को खुश रखने में सूदमंद साबित नहीं होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। सेहत ने साथ दिया और ज़िंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।